आप सबकी बहुत कमेंट आ रही थी कि भैया पिटबुल को रेस लगवाओ वरना ये एग्रेसिव हो जाएगा, तो मैं पिटबुली और प्लूटिंगो को लेकर घुमाने ले जा रहा हूँ। देखो प्लूटो इससे छिड़कर आकर स्कूटी पर बैठ गया, कभी ये ना बैठ जाए, बहुत तेज है वैसे प्लूटी। देखो प्लूटो, पटेटो, प्रिंसेस, टिमटिम सभी मेरे साथ गाँव में घूमने चल दिए। टिमटिम अब ठीक है, तो देखो कैसे टिमटिमा कर भाग रही है। देखो वहाँ पर जयकाल दिखा, वहाँ खेत में तो सारे उसके पीछे भाग गए, जैसे सच में हाथ आ जाएगा जयकाल इनके। बेचारा पिटबुली तो ढोलक की तरह आराम आराम से भागता है। देखो फिर घूमते घूमते हमें एक नया दोस्त भी मिल गया और वो भी हमारे साथ रेस लगाने लगा। फिर हमें दिखे एक बड़े से नंदू महाराज, वो हमें देखकर डर गए तो उनके पीछे पिटबुली पड़ गया। स्कूटी को खड़ी करके बड़ी मुश्किल से इनको सबको नंदू महाराज से अलग करने के लिए भागा, तो नंदू महाराज ने पिटबुल में एक लात मार दी, पिटबुल को चोट लग गई। और भागले नंदू महाराज के पीछे, मना करता हूँ कुछ समझ नहीं आती है तुझको, पढ़ाई वढ़ाई तो तू करता नहीं है, फर्स्ट क्लास में भी फेल हो गया था। फिर मैं सभी टीम को लेकर घर को चल देता हूँ। फिर घर आकर बहुत बुरा लगता है, जो जो मेरे रूम में यही सोफे पर सोता था अब रूम भी खाली खाली सा हो गया है। कल से प्लूटो भी ऐसे परेशान होकर घूम रहा है। प्लूटो कहाँ चले जाते हैं सब बता दे।